कोरोना के साथ साथ अपने को अपनी जिंदगी भी तो चलानी पड़ेगी, तो इसीलिए 2 महीने का जो हमें समय मिला लॉकडाउन का, इसमें हमने अपने अस्पतालों की बेड्स की सारी तैयारी कर ली है। आज सुबह सुबह ही मैंने रिव्यू लिया था। सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना के सीवियर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम हो जाता है, 85 पे पहुंच जाता है, 95 एक आम आदमी का होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 2000 बेड, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, हमने ऑक्सीजन के तैयार कर लिए, और कल परसों हमने टेंडर किया था, 1500-2000 बेड और तैयार करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ दिनों के अंदर लगभग 4000 बेड दिल्ली में कोरोना के ढेर सारे सीवियर पेशेंट्स डील करने के लिए तैयार होंगे। आज की पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा दिल्ली के अस्पतालों पर ही सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। एक सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े हैं, बड़ी संख्या में बेड खाली पड़े हैं, इसके बावजूद मरीजों को भटकना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि संक्रमण ज्यादा फैल रहा है तो जांच ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके उलट दिल्ली सरकार ने रोजाना कम टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। 7000 से घटाकर 5000 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में टेस्टिंग 15000 से बढ़ाकर 17000 हुई है। ये बात दिल्ली सरकार ने भी मानी कि टेस्टिंग कम हो रही है। दिल्ली ने 11 जून को हाईकोर्ट में बताया कि रोजाना 8600 टेस्ट करने की क्षमता है, लेकिन 1 जून से 9 जून तक जो रोजाना टेस्ट हुए उनका एवरेज 4853 ही है। यानी दिल्ली सरकार अपनी क्षमता के लगभग आधे टेस्ट करवा रही है, जबकि पहले के बजाय अब टेस्टिंग रेट और भी बढ़ना चाहिए।